अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ही आए हैं एक और रेमेडी के साथ। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और जैसे पहले वाली माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 5-6 वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो इन वीडियोज़ को भी इसी तरह से प्यार और जो है अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो आज जो है आपके लिए लेके आए हैं रेमेडी, हम लोग स्किन की स्किन रिलेटेड रेमेडी है और बहुत ही अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे जो है रिंकल्स भी खत्म होंगे, आपका कलर भी फेयर होगा, स्किन नीट हो जाएगी। जो स्किन 2 टोन 3 टोन हो जाती है ना, यहाँ और कलर, यहाँ और, वो इस तरह का या कि सेम टोन जो है ना वो स्किन की हो जाएगी। और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी जैसे वो एक ग्लास स्किन का नहीं होता है, ग्लो इस तरह से आपकी स्किन पे आएगा। इसके लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, सिंपल सी रेमेडी है, हर चीज़ आपके किचन के अंदर मौजूद है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है हल्दी। इसके लिए हमें 1 टीस्पून, ये चम्मच इसलिए रखी हुई आपको पता चले, 1 टीस्पून हल्दी लेनी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका कलर होता है लाइट, वो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं क्योंकि ये किचन की हल्दी। अब मैंने कस्तूरी वैसे हल्दी अब पंसारी की दुकान पे एक पे देखी थी, वो मुझे इतनी साफ नहीं लगी क्योंकि मैंने अम्मी लोगों के लिए स्पेन भी भेजनी है, वो आएगी तो फिर मैं रखूंगी, फिर कस्तूरी हल्दी से ही आगे मजीद रेमेडीज बनाएंगे। लेकिन आप कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन की जो नॉर्मल आप खानों में हल्दी डालते हैं वो भी ले लें। 1 टीस्पून आप लोगों ने ले लेनी है हल्दी, और ये वाला 1 टेबलस्पून जो है 3 टेबलस्पून आपने बेसन के लेने हैं, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी के अंदर 3 टेबलस्पून बेसन के मैंने ले लिए हैं। और इसका जो सबसे जो अच्छा, हर ये जो इंग्रेडिएंट है ना इस रेमेडी में, वो सारे ही में एक एक सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट भी मैजिकल है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप लोगों ने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के भी आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। अब इसमें एक ये मैंने बिल्कुल ड्राई बोल लिया है, उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी है, ठीक है जी। उसके अंदर आपने डाल देना है 3 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप किसी भी ब्रांड की, अच्छी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी आप ले सकते हैं। इन्हें अब आप करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बस आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है जी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और एक ड्राई कंटेनर में डालना है। मैं इसे करती हूँ अच्छे तरीके से मिक्स और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये रेमेडी अप्लाई किस तरीके से होनी है। ये देखें जी, मैंने हल्दी बेसन और मुल्तानी मिट्टी को कर लिया है मिक्स और बस ये आपका मिक्सचर हो गया रेडी। इसे आपने किसी बिल्कुल ड्राई कंटेनर में डालना है, बिल्कुल गीला ना हो, बंद करना और इसे स्टोर कर लेना। ये फ्रिज में रखना भी ज़रूरी नहीं है, आप 2-3 माह भी स्टोर करके इसको रख सकते हैं। जब भी आपने यूज़ करना है डेली करें, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। आपने जब इसे यूज़ करना है, आप जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, मैं यहाँ 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर मैं 1 चम्मच डालूंगी दही की। दही आपने इतनी डालनी है कि आपका पेस्ट थिक बन जाए, ठीक है। बस इसे अच्छे तरीके से करेंगे हम मिक्स, मिक्स करके इसे फिर हम करेंगे अप्लाई। मैं इसे मिक्स करती हूँ और फिर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने कर लिया जी इसे अच्छे तरीके से मिक्स। अब आप इसे अपने, मैं हाथों पे लगा के इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो में फेस पे फिर ना ऑकवर्ड सा लगता है। इसे आपने अपने हाथों पे, फेस पे, गर्दन पे, पैरों पे, आप ये फिर एक दफ़ा कन्फर्म कर दूँ, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, कोई भी स्किन वाला इसे लगा सकता है। आपने इसी तरीके से सॉफ्ट हाथों से अपने फेस पे भी लगा के मसाज करना है, हाथों पे करना है। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी फेस पे कोई भी रेमेडी, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज़ लगाएं तो अपनी नेक पे ज़रूर लगाया करें ताकि आपकी गर्दन और फेस का कलर जो है ना सेम रहे। तो इससे आपका रंग भी बहुत जल्दी फेयर होगा, बहुत अच्छे आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दफ़ा ही आपने लगाना है, रिजल्ट्स विजिबल होंगे। मैं लगाती हूँ इन्हें अपने हाथों पे और इसे आपने लगाना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट आप लगाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी इस पर डालेंगे हल्का सा, जैसे होता है 2-4 ड्रॉप्स डाल के, फिर दोबारा स्क्रब करके इसे आपने सिंपल वाटर से धो लेना। ज़्यादा जो है ना रगड़नी नहीं है स्किन, सॉफ्ट हाथों से लगाएं, जैसे फेस पैक लगाते हैं, लगा के 15 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद, वैसे अच्छी बात है 20 मिनट लगा लें, 20 मिनट लगा के तो फिर आपने इसको नॉर्मल पानी से धोना है। मैं इन्हें लगाती हूँ जी दोनों हाथों पे, 20 मिनट बाद आपको अपने हाथ धो के इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ।
तो जी मैंने 20 मिनट बाद अपने हाथ धो लिए हैं और बड़ा ही अच्छा विजिबल रिजल्ट आया है। ये कैमरा पे पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे और अपने फेस को हाथों को वॉश करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट जो है ना वो नजर आएगा। ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट रेमेडी है और सर्दियों में स्किन भी अच्छी रहती है इससे। तो बस जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।